फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको क्रिएटिन के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं, और क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों पर इसके डायरेक्ट रिजल्ट्स को देखा है और इसके अलावा सभी स्टडीज और रिसर्च भी हमने इसके ऊपर देखी है, और पहले से मौजूद स्टडीज और रिसर्च पर भी हमने अच्छे से गौर करने के बाद ये वीडियो बनाई है। इसमें आज आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्रिएटिन लेने से आखिर क्या फायदे आपको मिलते हैं और क्या साइड इफेक्ट्स इसको लेने से आपको हो सकते हैं, ये भी जानेंगे। इसके अलावा कितना क्रिएटिन आपको इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को क्रिएटिन लेने से बचना चाहिए, इस तरह की सभी छोटी बड़ी बातें आगे हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, क्रिएटिन हम सबकी बॉडी में पहले से ही बिना किसी क्रिएटिन सप्लीमेंट के बनता है, और क्रिएटिन एक तरह का अमीनो एसिड होता है जो कि हमारी बॉडी को, खासतौर से हमारी मसल्स को एनर्जी पहुंचाता है। और वैसे तो क्रिएटिन हमारी बॉडी में नेचुरली ही पहले से बनता है, पर हमारी बॉडी क्रिएटिन नाम के इस अमीनो एसिड को काफी कम अमाउंट में बनाती है, और इसी वजह से क्रिएटिन ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में बनाने के लिए क्रिएटिन सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रिएटिन किस तरह से हमारी एथलेटिक और वर्कआउट परफॉर्मेंस को अच्छा करता है, क्या साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं, जैसे कि क्या इससे हमारी बॉडी में ज्यादा फैट बनता है या फिर इससे हमें डाइजेशन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो इस तरह की सारी बातें भी आगे हम जानेंगे। इसके अलावा क्रिएटिन के पीछे क्या साइंस वर्क करता है, ये सभी बातें जानेंगे। तो देखिए, क्रिएटिन हमारी पूरी बॉडी में होता है और क्रिएटिन का 95% हिस्सा हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो रेड मीट और सी फूड से अच्छे अमाउंट में क्रिएटिन अपनी बॉडी में बना पाते हैं। वैसे क्रिएटिन का सबसे जरूरी काम बॉडी में एनर्जी बनाना होता है, और जितनी ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में होती है उतनी ज्यादा आपकी एथलेटिक और वर्कआउट परफॉर्मेंस अच्छी होती है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी ज्यादा अमाउंट में क्रिएटिन नहीं बना पाती, और खासतौर से जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनकी बॉडी में क्रिएटिन और भी कम होता है, तो इसीलिए क्रिएटिन अपनी बॉडी में बढ़ाने के लिए क्रिएटिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल लोग करते हैं। चलिए अब पहले क्रिएटिन लेने के कुछ बड़े फायदों को जान लेते हैं, इसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं ये भी जानेंगे। तो फायदा नंबर एक है, एथलेटिक और वर्कआउट परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। काफी सारी अलग अलग स्टडीज और रिसर्चेज में ये देखा गया है कि जब क्रिएटिन लेकर लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्सरसाइजेज में ज्यादा वजन उठा पाते हैं, और दूसरी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज में भी पहले के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, और जिससे कि ये लोग ज्यादा लीन मसल मास अपनी बॉडी में बना पाते हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं सारी स्टडीज में ये भी पता चला है कि जो लोग 20 साल से 25 साल या 27 साल के आसपास के होते हैं उन्हें क्रिएटिन लेने पर ज्यादा फायदे उनकी वर्कआउट परफॉर्मेंस में देखने को मिलते हैं। रिसर्चेज में ये भी पता चला है कि हमारी बॉडी में ज्यादा एनर्जी बनाने और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के अलावा क्रिएटिन तेजी से मसल मास बढ़ाने में भी लोगों की काफी मदद करता है, क्योंकि क्रिएटिन बॉडी में ताकत और शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा अमीनो एसिड होता है, और इससे आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस इसलिए भी अच्छी होती है क्योंकि ये आपकी बॉडी में एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP एनर्जी को बढ़ाता है, जो कि सभी तरह की वेट लिफ्टिंग और कार्डियो एक्सरसाइजेज में काफी जरूरी होती है। और 6 हफ्ते तक चली एक रिसर्च में ये भी देखा गया है कि क्रिएटिन लेने के बाद लोग पहले के मुकाबले 5-10% ज्यादा वजन उठा पाते हैं, और बाइसेप कर्ल जैसी एक्सरसाइज में भी लोग ज्यादा रेप्स निकाल पाते हैं। इसके अलावा दूसरी स्टडीज में ये देखा गया है कि क्रिएटिन लेने के बाद लोग स्क्वाट्स और बेंच प्रेस में ज्यादा वजन लेकर ज्यादा रेपिटेशंस निकाल पा रहे थे, पर इससे दूसरी तरफ स्टडीज में ये देखा गया है कि टेनिस, साइकिलिंग, रनिंग और स्विमिंग जैसे एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में क्रिएटिन लेने का कोई खास फायदा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इस तरह के एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में जल्दी जल्दी ATP एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप क्रिएटिन का इस्तेमाल अपने कार्डियो सेशन से पहले करते हैं तो इससे आपके वर्कआउट सेशंस बेहतर होते हैं, जिससे आगे चलकर आपका एंड्योरेंस परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाता है। फायदा नंबर दो जानने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर आप घर से बिना किसी जिम इक्विपमेंट के होम वर्कआउट करके अपनी कंप्लीट बॉडी को मस्कुलर बनाना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक पेड कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको घर से बिना किसी जिम इक्विपमेंट के कंप्लीट वर्कआउट प्लान हम बताएंगे, और इसके अलावा किस तरह की डाइट आपको लेनी चाहिए ये भी बताएंगे। इसके अलावा किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए, किन चीजों को खाने से आपको बचना चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल आपको रखना है, इस तरह की भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस कोर्स में मिल जाएगी, और ये कोर्स अगले महीने हम लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप कोर्स पर जा सकते हैं और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपनी वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, पतले लोग हमेशा एक चीज जरूर चाहते हैं और वो है अपने मसल्स को ग्रो करना। तो क्रिएटिन का बेनिफिट नंबर दो है, इंक्रीज
इंक्रीज्ड बॉडी मास। तो जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लेकर क्रिएटिन लेवल अपनी बॉडी में बढ़ाते हैं तो इसका फायदा आपको आपके बढ़े हुए मसल मास के रूप में भी देखने को मिलता है। और ऐसा इसलिए नहीं होता कि क्रिएटिन आपके मसल्स को बढ़ाता है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है कि क्रिएटिन लेने के बाद आपकी मसल्स ज्यादा पानी को अपने अंदर रोक कर रखती हैं, जिस वजह से कम टाइम में ही आपको अपने मसल्स बढ़े हुए दिखते हैं। और क्रिएटिन की वजह से आपकी मसल्स जो ज्यादा पानी अपने अंदर रोक कर रखती हैं, उसका फायदा कुछ टाइम में आपकी मसल्स को सही से ग्रो होने के लिए मिलता है। इसके अलावा क्रिएटिन एक दूसरे तरीके से भी मसल ग्रोथ करता है। दरअसल क्रिएटिन लेने के बाद आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस काफी बढ़ जाता है, जिससे कि आप लंबे टाइम तक और ज्यादा वजन के साथ बिना थके वर्कआउट कर पाते हैं, जिस वजह से रिकवरी प्रोसेस में आपके मसल्स और ज्यादा स्ट्रांग और मोटे बनते हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्टली भी क्रिएटिन आपकी मसल्स ग्रोथ करता है। वैसे जब आप क्रिएटिन लेकर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो इससे आपका एक्स्ट्रा फैट खत्म होता है और आपकी मसल्स बनती हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में कटिंग भी आती है। पर जैसे कि हमने आपको बताया था कि क्रिएटिन लेने के बाद आपकी मसल्स में ज्यादा पानी स्टोर रहता है, इस वजह से क्रिएटिन लेने के बाद आपका वजन थोड़ा बढ़ जाता है। क्रिएटिन लेने का फायदा नंबर 3 है, रिपेयर्स डैमेज आफ्टर इंजरी। तो रिसर्च से ये भी पता चलता है कि क्रिएटिन आपके मसल्स को डैमेज होने से रोकता है और वर्कआउट की कोई इंजरी होने के बाद उस इंजरी को सही करने की प्रोसेस को भी तेज कर देता है, जिससे आपकी इंजरी जल्द ही रिकवर हो जाती है। और इससे अलग भी, जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं और उसके बाद जब आपकी बॉडी में दर्द और ऐंठन होती है, तो इस दर्द और ऐंठन को भी कम करने में क्रिएटिन आपकी बॉडी में काम कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक 70 किलो के इंसान के अंदर लगभग 120 से 140 ग्राम क्रिएटिन स्टोर रहता है, और क्रिएटिन की कमी अगर आपकी बॉडी में हो जाती है तो आपको डिप्रेशन, डायबिटीज और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बहुत सारी कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। पर अगर आप सही अमाउंट में क्रिएटिन अपनी बॉडी में बनाए रखते हैं तो आप इन सभी कंडीशंस के खतरे को कम कर सकते हैं। वैसे अभी इस बात के पूरे एविडेंस नहीं मिले हैं कि क्रिएटिन सही अमाउंट में लेने से आप इन बीमारियों के खतरे को अपनी बॉडी में कम कर सकते हो, पर कुछ एविडेंस इस बात के मौजूद हैं। और क्रिएटिन अपनी बॉडी में सही अमाउंट में बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप क्रिएटिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें, आप नेचुरली खाने पीने की चीजों से क्रिएटिन अपनी बॉडी में बनाए रख सकते हैं। क्रिएटिन लेने का फायदा नंबर 4 है, इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन। तो फ्रेंड्स, क्रिएटिन सिर्फ आपकी बॉडी के लिए ही नहीं बल्कि आपके दिमाग के लिए भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि क्रिएटिन आपके ब्रेन की हेल्थ और फंक्शन के लिए काफी अच्छा काम करता है। क्योंकि जब आपका दिमाग पढ़ाई या फिर काम से रिलेटेड मुश्किल टास्क में लगा हुआ होता है, तब आपके दिमाग को ज्यादा ATP की जरूरत होती है, और क्रिएटिन आपके दिमाग में फॉस्फोस्टाइरीन को बढ़ा देता है, जिससे कि ATP आपके अंदर ज्यादा बनता है, जिससे आपका ब्रेन ज्यादा अच्छे से और इफेक्टिवली काम कर पाता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम आप करते हैं तो उसमें भी क्रिएटिन आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। फ्रेंड्स, क्रिएटिन लेने के और भी काफी फायदे हैं, पर अब हम ये जान लेते हैं कि क्रिएटिन लेने के क्या साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं, और फिर हम जानेंगे कि किन लोगों को क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए, इसके अलावा कितने अमाउंट में और किस टाइम पर आपको क्रिएटिन लेना चाहिए, किस कंपनी का और किस टाइप का क्रिएटिन आपको लेना चाहिए। इस तरह के सभी सवालों के जवाब भी आपको हम आगे देंगे, पर अभी क्या साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं क्रिएटिन लेने के, वो जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब लोग क्रिएटिन सप्लीमेंट लेकर क्रिएटिन लेवल अपनी बॉडी में ज्यादा कर लेते हैं तो इससे ज्यादातर लोगों की बॉडी पर कोई निगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, पर कुछ लोगों को इससे कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहली टेंशन जो लोगों को क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने से होती है वो ये होती है कि क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने से कहीं उनके बाल तो नहीं झड़ने लग जाएंगे, और बाल झड़ने वाली ये बात इसीलिए लोग सोचते हैं क्योंकि स्टडीज में ये बातें भी सामने आई हैं कि कुछ हफ्ते तक क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने से आपकी बॉडी में डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, जो कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस में देखा जाता है, यानी बाल झड़ने में और पुरुषों के गंजेपन में ये हार्मोन बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या सिर्फ इस एक बात से आपको क्रिएटिन लेने से पहले सोचने की जरूरत है, क्योंकि इस बात पर कोई भी डायरेक्ट स्टडीज मौजूद नहीं है कि क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने से बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है। और इससे अलग, क्रिएटिन लेने से डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी DHT आपकी बॉडी में ज्यादा बनता है, इस बात की भी सिर्फ एक ही स्टडी मौजूद है, यानी सिर्फ एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि क्रिएटिन आपकी बॉडी में डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी DHT लेवल बढ़ा देता है। पर फ्रेंड्स, अगर फिर भी आप अपने बालों के झड़ने से डरते हैं और आपकी फैमिली में अगर पुरुषों में गंजेपन की जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो आप क्रिएटिन लेने या ना लेने के बारे में खुद ही फैसला कर सकते हैं। इससे अलग, क्रिएटिन लेने का जो दूसरा साइड इफेक्ट कुछ लोगों में
में देखा जाता है वो होता है डाइजेशन इश्यूज। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें क्रिएटिन लेने के बाद पेट में क्रैम्प्स, जी मतलाना, पेट में दर्द और लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। और लोगों में ज्यादातर ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि वो क्रिएटिन ज्यादा अमाउंट में इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से फिटनेस एक्सपर्ट्स उन्हें पहले दिन से ही 20 ग्राम क्रिएटिन रोजाना 6 दिन तक के लिए लेने के लिए बोलते हैं, जो कि लोडिंग वाला तरीका होता है। तो अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको सिर्फ 3-5 ग्राम क्रिएटिन ही रोजाना लेना होता है, नहीं तो आपको भी डाइजेशन इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया है कि कितना क्रिएटिन आपको रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे इसके अलावा एक साइड इफेक्ट लोगों में ये देखने को भी मिलता है कि जो लोग क्रिएटिन लेते हैं उनमें डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है। तो जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया था कि क्रिएटिन आपकी मसल्स तक ज्यादा पानी को खींचता है, तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि आपकी बॉडी में क्रिएटिन लेते हुए पानी की कमी हो सकती है। तो अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो आपको दिन में ज्यादा अमाउंट में पानी पीना चाहिए। चलिए अब क्रिएटिन से जुड़े हुए आपके कुछ सवाल और उनके जवाब जान लेते हैं। तो सवाल नंबर एक है कि वर्कआउट परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए क्रिएटिन को लेने का सही समय क्या होता है। देखिए, क्रिएटिन को लेने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, पर अगर आप अपनी वर्कआउट परफॉर्मेंस को अच्छा करने पर फोकस करते हैं तो वर्कआउट से लगभग आधे से एक घंटे पहले आपको क्रिएटिन लेना चाहिए। सवाल नंबर दो ये आता है कि क्रिएटिन कितने अमाउंट में और किस तरह से हमें लेना चाहिए। तो इसका जवाब है कि आपको 3-5 ग्राम क्रिएटिन को ताजे पानी में मिलाकर लेना चाहिए। तीसरा सवाल आता है कि किस तरह का और किस कंपनी का क्रिएटिन सप्लीमेंट हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, काफी अलग अलग तरह के क्रिएटिन सप्लीमेंट्स मार्केट में मौजूद हैं, पर हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही इस्तेमाल करें। और किस कंपनी का क्रिएटिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसका भी खास ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिन के नाम पर बहुत सारी फेक कंपनीज भी आजकल ऑनलाइन मौजूद हैं जो फेक प्रोडक्ट्स आपको बेचती हैं और जिनके अंदर काफी हार्मफुल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे फेक प्रोडक्ट्स लेने से अच्छा होगा कि आप बिना क्रिएटिन के ही वर्कआउट परफॉर्म करें। तो किस कंपनी का क्रिएटिन आपको लेना चाहिए? तो आपको एक जेन्युइन और मार्केट में बेस्ट रिजल्ट्स जनरेट करने वाले क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं इसी वीडियो के, और इस लिंक पर क्लिक करके आप इसके बारे में ज्यादा जान सकते हैं और इसे खरीद भी सकते हैं। वैसे आपको क्रिएटिन सप्लीमेंट तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब आप अपनी डाइट से ज्यादा क्रिएटिन ना ले पाएं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, लेकिन अभी भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।